हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है रूट ऑफ द प्रॉब्लम और ये मूवी ड्रामा फैंटेसी मूवी है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक पॉल कैंपबेल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट होता है और उसे आज एक घर सेल करना होता है, जिसके लिए वो उस घर तक पहुंच जाता है और वहां जाकर घर का सारा सामान व्यवस्थित रखने लगता है ताकि जब उसके क्लाइंट्स उसके घर को देखें तो पसंद कर लें। अब पॉल पूरे घर को व्यवस्थित कर देता है और आखिर में बेसिन का नल लीक हो रहा था, तब पॉल उसे भी ठीक कर देता है। इसके बाद क्लाइंट्स वहां आते हैं जिन्हें वो घर पसंद आता है और यहाँ पॉल उन्हें घर सेल करने में कामयाब हो जाता है। आगे पॉल ये बात अपने दोस्त जैक को बताता है जिससे जैक काफी खुश होता है, लेकिन इसी बीच पॉल जैक से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द इस काम से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। ये सुनकर जैक उससे कहता है मजाक मत करो, अभी तुम इतने भी अमीर नहीं हो कि इस काम को छोड़ दो। जिस पर पॉल कहता है मैं बहुत ही जल्द अमीर बन जाऊंगा जिसके बाद मैं अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार में घूमूंगा। आगे उसी शाम पॉल अपने दोस्त को अपने घर पर खाने पर इनवाइट करता है और शाम को जैक और उसकी वाइफ उनके घर पर खाना खाने आते हैं और पॉल और उसकी फैमिली डिनर की तैयारी करने लगते हैं, जहां पर ग्रेस के पास एक कॉल आता है और उस कॉल पर बात करके ग्रेस शॉक्ड हो जाती है। दरअसल वो कॉल हॉस्पिटल से था। ग्रेस के अंकल जॉन अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी डेथ हॉस्पिटल में ही हो चुकी थी, जिससे ग्रेस को काफी बुरा लगता है। लेकिन पॉल इस बात से ज्यादा दुखी नहीं होता क्योंकि ग्रेस के अंकल की सारी दौलत पॉल को मिलने वाली थी, क्योंकि अंकल जॉन के आगे पीछे कोई नहीं था और वो काफी ज्यादा पैसे वाले थे। और अब पॉल मन ही मन खुश होता है क्योंकि अब वो जल्द ही अमीर बनने वाला था। लेकिन फिलहाल के लिए पॉल जाकर ग्रेस को संभालता है जो कि अंकल को याद करके रो रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पॉल और ग्रेस को उसके अंकल के वकील के साथ देखते हैं, जहां दोनों ही काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें अंकल का पैसा जो मिलने वाला था। अब इसी बीच वहां पर पास्टर राइली आते हैं जो कि अंकल जॉन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आगे वकील अंकल की वसीयत निकालता है जिसे देखकर पॉल बहुत खुश होता है और अब वकील सभी से कहता है आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पर आए। जॉन ने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि पॉल मेरे घर को बेच दे और जो भी पैसा और कमीशन मिले उसे रॉकी माउंटेन चिल्ड्रन कैंप को डोनेट कर दिया जाए, जिसे सुन पॉल थोड़ा शॉक होता है। आगे वकील पॉल को एक प्लान निकाल कर देता है जो जॉन ने पॉल की फैमिली के नाम किया था और वकील कहता है जॉन ने प्लान के साथ एक नोट भी छोड़ा है जिसमें पॉल की फैमिली के लिए एक मैसेज है। इसमें लिखा है कि जैसे ही तुम्हें सच पता चल जाएगा तुम फ्री हो जाओगे। और ये देखकर पॉल और ग्रेस दोनों ही हैरान थे क्योंकि उन्होंने तो प्रॉपर्टी या पैसा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पॉल उस गमले को कचरे में फेंकने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ अंकल के बेस्ट फ्रेंड राइली भी आ जाते हैं और उनको दिखाने के लिए पॉल उस प्लांट को अपने घर ले जाता है। और अब पॉल काफी बुरी तरह से बिहेव करता है क्योंकि वो इन सब से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो ग्रेस से उस पौधे को लेकर लड़ने लगता है। वो कहता है तुमने तुम्हारे अंकल के लिए कितना कुछ किया है, तुम उनके लिए खाना बनाकर ले जाया करती थी, जब भी वो बीमार पड़े उनका ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने तो उनका होम बेचने तक का कमीशन भी मेरे नाम नहीं छोड़ा और सब कुछ चिल्ड्रन कैंप को सौंप दिया। जिस पर ग्रेस पॉल से गुस्सा होकर कह देती है कि मैं मेरे अंकल को प्यार करती थी और मैंने कभी उनकी दौलत के बारे में नहीं सोचा, मैं बस उनकी केयर करने जाती थी और अंकल जॉन भी मुझे प्यार करते थे और उन्होंने हमें ये प्लांट नहीं दिया होता अगर ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो। अब पॉल ये सारी बातें सुनकर उस पौधे को बाहर रख देता है और अब अगले दिन पॉल अपने दोस्त जैक से मिलता है और अपना काम वापस ज्वाइन कर लेता है जिसे छोड़ने का उसने प्लान किया था। अब उसी रात पॉल अपने घर के बाथरूम में होता है, तभी ग्रेस पॉल से कहती है बाथरूम का शॉवर फिर टपकने लगा है, तुम उसे फिक्स क्यों नहीं करते। इस पर पॉल कहता है मैं किसी दिन यह काम कर दूंगा। ग्रेस कहती है क्यों ना हम प्लम्बर को बुला लें। जिस पर पॉल कहता है तुम्हें पता है ना प्लम्बर कितना पैसा चार्ज ले लेगा, मैं इसे देख लूंगा। दरअसल पॉल काफी कंजूस किस्म का आदमी था, इसलिए हमेशा पैसा बचाने की कोशिश किया करता था। आगे पॉल ग्रेस को बताता है कि मुझे लगता है कि जैक मुझसे हेल्प चाहता है एक फैक्ट्री को बेचने के लिए और अगर मैंने ये काम कर दिया तो हमें काफी बड़ा कमीशन मिलेगा
और इस बात को लेकर पॉल काफी एक्साइटेड था। अब अगली सुबह पॉल की पूरी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जहां पॉल का बेटा लैंडन ग्रेस से थोड़ा ज्यादा लंच अपने टिफिन में रखने को कहता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों को अपना लंच शेयर करना था। ये सब सुनकर पॉल उसे खर्चे गिनवाने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितनी मुश्किल से पाल रहा हूँ। ये सब सुन लैंडन उसके डैड की बातों को इग्नोर कर देता है और इसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी पॉल अपनी वाइफ से महीनों के खर्चे के बारे में डिस्कस करता है। उसकी वाइफ को बाहर जाना था, इसलिए वो भी वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो पॉल को उस गमले को शेड में रखने के लिए कहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पॉल और उसके दोस्त जैक को देखते हैं, जो कि कॉफी शॉप में जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों कॉफी लेते हैं, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर एक बैगर होता है जो कि पॉल से पैसे मांगता है, लेकिन पॉल उसे पैसा नहीं देता और कहता है तुम्हें पैसे पीछे आ रहे आदमी से मांगना चाहिए। और पीछे जैक होता है और वो उस बैगर को पैसे दे देता है। इसके बाद पॉल को उसकी वाइफ की बात याद आती है और पॉल घर जाकर अपने घर के पीछे बने शेड से सामान निकालकर उस पौधे के शेड में रख देता है और उसमें पानी डालने लगता है। और तभी गौर से देखने पर उसे उस पौधे पर पैसों के नोट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो उस नोट को निकाल कर देखता है तो वो नोट असली होता है। पॉल को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे और वो समझ जाता है कि ग्रेस के अंकल इसी पौधे की वजह से इतने अमीर बने थे। अब पॉल वो सारे नोट उस प्लांट से निकाल लेता है जो उस प्लांट में लगे थे और अपने पास रख लेता है। तभी पॉल के दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और ग्रेस भी वहां आ जाती है और अचानक से पॉल उस पौधे की केयर करने लगा था, जिसे देखकर ग्रेस काफी खुश होती है। दरअसल पॉल अपनी वाइफ और बच्चों को इस पौधे के बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त जैक के साथ एक फैक्ट्री की डील करनी थी। आगे पॉल जैक से जाकर उस फैक्ट्री में मिलता है जो उन्हें सेल करनी थी। और अब तो पॉल की बातें भी बदल चुकी थी, वो सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जैसे जब जैक उससे कहता है कि उन्हें ये फैक्ट्री मिलकर साफ करनी चाहिए, तो इस पर पॉल जवाब देता है कि नहीं, मुझे धूल से एलर्जी है, तो इसकी जगह हम एक वैक्यूम ट्रक ला सकते हैं जो कि इस जगह को मिनटों में साफ कर देगा। तब जैक कहता है क्या हम फैक्ट्री में लाइट लगवा दें। इस पर पॉल कहता है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि जगह ब्राइट दिखे, इससे क्लाइंट्स को इसकी कमियां नजर आएगी। आगे जैक पॉल को वहां की टूटी हुई रेलिंग दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, जिसके लिए पॉल कहता है यहां लकड़ी का हिस्सा लगा दो। और पॉल जैक को फैक्ट्री का सारा छोटा मोटा काम बताकर वहां से निकल जाता है और वहां से निकल कर वो सीधा अपने उस प्लांट के पास जाता है और वो पाता है कि प्लांट पर वापस नए नोट आ गए थे। तब पॉल उन नोटों को निकालने लगता है और आगे पॉल अपनी वाइफ के पास में जाकर उससे प्लांट के बारे में सवाल करने लगता है कि क्या तुमने प्लांट में कोई फूल लगे हुए देखे थे। जिस पर पॉल की वाइफ कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी फूलों का सीजन नहीं है तो प्लांट पर फूल क्यों आएंगे। दरअसल पॉल सिर्फ ये बात जानना चाहता था कि कहीं उसकी वाइफ को प्लांट के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया और फिर वो भी ग्रेस को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि यदि वो इस बारे में अपनी वाइफ को बता देगा तो उसकी वाइफ उसे सेविंग करने को कहेगी और वो ऐसा नहीं चाहता था। अब अगली सुबह पॉल के घर पर पास्टर राइली आते हैं, जो कि चर्च के लिए डोनेशन लेने के लिए आए थे। तब पॉल उन्हें मना नहीं करता और चर्च के लिए एक चेक उन्हें दे देता है। ये देखकर पॉल की फैमिली हैरान रह जाती है, क्योंकि आज से पहले पॉल ने कभी डोनेशन नहीं दिया था। अब इसके बाद पॉल अपने पौधे को चेक करने जाता है, जिस पर वापस पैसा आ गया था। और इसके बाद पॉल अपना हुलिया मिरर में देखता है और फिर वो एक कपड़े की दुकान पर जाता है और वहां से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर पहन लेता है। अब पॉल पूरी तरह से बदल चुका था और इसके बाद वो जब ऑफिस जाता है तो वहां उसे ऐसे देखकर सब चौंक जाते हैं। वो अपने दोस्त से कुछ बातें करता है और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसे देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कार चाहिए, क्योंकि तुम्हारे न्यू स्टाइल पर तुम्हारी पुरानी कार अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन पॉल उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब पॉल अपने घर जाता है और फिर से प्लांट पर से सारा पैसा निकाल कर अपने पास रख लेता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास में जाता है, जहां वो उसका नया रूप देखकर काफी चौंक जाती है। अब अगले दिन पॉल अपने बच्चों को भी अच्छी पॉकेट मनी देता है, जिससे उसके बच्चे भी काफी खुश होते हैं। अब पॉल के इस बिहेवियर से उसके घर वाले खुश रहने लगे थे। इसके बाद पॉल बाहर जाता है, जहां उसे एक घास काटने वाली मशीन दिखती है जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है और पॉल को वो काफी पसंद भी आती है। लेकिन पॉल के लिए क्या ही एक्सपेंसिव था, तो वो उसे खरीद लेता है और इसका पेमेंट वो कैश में करता है। दूसरी तरफ ग्रेस बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेल रही होती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसके कारण ग्रेस को काम से कहीं बाहर जाना था।
लेकिन जाने से पहले वो पॉल को कॉल करती है और उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती है। पॉल घर आता है और अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसी बीच उनके दरवाजे की बेल बजती है, जहाँ पर कुरियर बॉय होता है, जो कि उस घास काटने वाली मशीन की डिलीवरी करने आया था। दोनों बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेस भी घर पर आती है और वो उस घास काटने वाली मशीन को देखती है, जिसके बाद वो पॉल से पूछती है, ये मशीन किसकी है। पॉल कहता है, ये मैंने खरीदी है $5,000 में। जिस पर ग्रेस पूछती है, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता। तब ग्रेस घर के अंदर आती है और अपने बच्चों को उनके रूम में भेज देती है, क्योंकि उसे पॉल से कुछ जरूरी बात करनी थी। अब ग्रेस वापस पॉल से पैसे के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल उसे कहता है कि फैक्ट्री की डील में मुझे जैक से एडवांस पेमेंट मिला था। ये सुनकर ग्रेस और ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि हमारी फैमिली ट्रिप का क्या होगा, जहां हम जाने का कब से प्लान कर रहे थे, क्योंकि ग्रेस की नज़र में पॉल फिजूल खर्ची कर रहा था। इसलिए ग्रेस उससे कहती है कि आगे तुम जो कुछ भी खरीदोगे उससे पहले तुम उससे बात करोगे। ऐसा कहकर ग्रेस वहां से चली जाती है। अब उनकी बातों के बाद पॉल वापस पैसे लेने के लिए दोबारा पौधे के पास जाता है, जहां उसे वापस बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और अब पॉल के पास $1,00,000 जमा हो गए थे, और ये देखकर पॉल पागल सा हो जाता है, और ये रात पॉल पैसों के ऊपर सोकर बिताता है। अब अगली सुबह पॉल फिर से अपने काम के लिए जाता है, जहां वो अपनी कार को देखता है जो कि पुरानी हो चुकी थी, और इसलिए वो कार के शोरूम पर जाता है और वहां एक स्पोर्ट्स कार को खरीद लेता है, और उसका पेमेंट भी वो कैश में करता है, जिसे देखकर वहां के ओनर को उस पर शक हो जाता है। आगे पॉल अपनी नई कार को काम पर लाता है, जिसे देखकर उसका दोस्त जैक हैरान हो जाता है, और साथ ही साथ वो काफी खुश भी होता है। जैक को लगता है कि वो कार उसे उसके अंकल के द्वारा मिली होगी। इन सब के बाद वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। इधर वो कार शोरूम का ओनर पुलिस को कॉल करके बुलाता है, जहाँ से एक डिटेक्टिव कार शोरूम में आती है, जिसका नाम मिलर होता है। ओनर डिटेक्टिव मिलर को पॉल के बारे में सब बता देता है कि उससे किसी ने $65,000 कैश देकर कार खरीदी है, और साथ में वो ये भी बताता है कि पॉल एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा। इधर पॉल अपनी नई कार लेकर घर आता है, जिससे उसके बच्चे उसकी कार को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन ग्रेस का रिएक्शन साफ बता रहा था कि उसे जरा भी खुशी नहीं है। और ग्रेस फिर से पॉल से पूछती है, तुम्हारे पास कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए। जिस पर पॉल फिर से वही बात कह देता है कि ये पैसे कमीशन में मिले हैं, लेकिन अब ग्रेस को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर पॉल कुछ गलत काम कर रहा है। अब ग्रेस के गुस्सा होकर वहां से जाने के बाद पॉल वापस पौधे के पास जाता है, लेकिन इस बार उसे प्लांट से कोई भी पैसे नहीं मिलते। आगे पॉल ग्रेस के पास जाता है, जो कि अभी भी उससे बहुत गुस्सा थी, और ग्रेस पॉल से पूछती है, ये कार कितने की है। पॉल बताता है कि ये कार $65,000 की है। ये सुनकर ग्रेस कहती है, तो क्या तुम बताओगे तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पॉल कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैंने फैक्ट्री सेल करने की डील क्रैक की है, जिसके लिए जैक ने मुझे एडवांस में कमीशन दिया है, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन ग्रेस वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन पास्टर राइली फिर से पॉल के घर पर डोनेशन लेने आते हैं, लेकिन पॉल इस बार कुछ भी नहीं देता, ये कहकर कि अभी बजट थोड़ा टाइट चल रहा है। तब पास्टर वहाँ से चले जाते हैं और पॉल भी अपने ऑफिस चला जाता है। तब डिटेक्टिव मिलर पॉल के घर आती है, जो कि ग्रेस से मिलती है। ग्रेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब मिलर उसे अपनी आईडी दिखाती है। इसके बाद मिलर ग्रेस से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि आपके हस्बैंड इतना खर्च कैसे कर रहे हैं। जिस पर ग्रेस उन्हें कहती है कि मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट एजेंट में टॉप लिस्ट पर आते हैं। जिस पर मिलर पूछती है, क्या वो इतना पैसा कमा लेते हैं जिसमें वो $65,000 की कार कैश पेमेंट देकर खरीद सके। ये सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है और वो डिटेक्टिव से कहती है कि क्या वो ये बातें तब कर सकती है जब पॉल यहाँ पर आ जाए। उसकी बातें सुनकर मिलर वहाँ से चली जाती है। अब शाम को मिलर पॉल पर नजर रखती है, जो कि अपने घास काटने वाली मशीन पर घूम रहा होता है। मिलर को पॉल के काम की सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इन जानकारियों के मुताबिक पॉल के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स कार खरीद सके। आगे पॉल वापस प्लांट को चेक करता है, जिस पर अब नोट आना बंद हो गए थे, जिससे पॉल काफी परेशान हो जाता है। इसी बीच पॉल के पास ग्रेस आती है और उससे कहती है कि आज डिटेक्टिव उसके घर आई थी और वो पूछ रही थी कि इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया। जिस पर पॉल उसे फिर से
वही बात बोलने लगता है कि ये पैसा कमीशन के थ्रू आया है। लेकिन इस बार ग्रेस कहती है, तो फिर तुमने $65,000 कैश में कैसे दिए? ये सुनकर पॉल चुप हो जाता है। तब ग्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम कोई इलीगल काम कर रहे हो? जिस पर पॉल उसे विश्वास दिलाता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तब ग्रेस कहती है, क्या हमारे पास जो भी है तुम उसमें खुश नहीं हो? हमारे पास खुद का घर है, दो बच्चे हैं, और क्या चाहिए? तो तुम ये रिस्की काम क्यों कर रहे हो? अब डिटेक्टिव मिलर के बारे में सुनकर पॉल परेशान होता है, इसलिए वो ग्रेस की बातों का आंसर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वो सीधा पास्टर रैली के पास जाता है और वहाँ वो उन्हें थोड़ा चर्च के लिए डोनेशन देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इस बार डोनेशन नहीं दिया, इस वजह से उसके प्लान पर पैसे नहीं आ रहे। यहाँ पास्टर से वो थोड़ी बातें करता है, जिसमें वो अंकल जॉन के बारे में पूछता है। तब पास्टर रायली उसे बताते हैं कि जॉन काफी अच्छा आदमी था, वो अपने पैसों को कभी वेस्ट नहीं करता था जैसे तुम कर रहे हो। तब पॉल पास्टर की बातों को सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होता है। तब पास्टर पॉल को कहते हैं, पॉल हमें हमेशा जीवित नहीं रहना है, तो क्यों ना हम उन लोगों की हेल्प करें जिन्हें जरूरत है। जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तभी हमें हमारी ट्रू नेचर का पता लगता है। ये सुनकर पॉल और ज्यादा कैश पास्टर को डोनेशन के रूप में दे देता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब पास्टर रायली पॉल को अंकल जॉन की बाइबल दे देते हैं जो वो अपने पास रखते थे। वो लेकर पॉल वहाँ से निकल जाता है। अब बाहर डिटेक्टिव मिलर पॉल पर नजर रख रही होती है और पॉल के जाने के बाद वो पास्टर रायली के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन इस बीच वो पॉल के दिए हुए पैसों को टेबल पर रख लेती है और मिलर कहती है, अभी के दिनों में पॉल ने काफी सारा कैश खर्च किया है, क्या वो ऐसा पहले भी करते थे? इस पर पास्टर कहते हैं, नहीं, वो बहुत ही कम खर्चा करने वाले लोगों में से हैं, पर अभी कुछ दिनों में उनमें बहुत ही चेंज आया है। अब मूवी के अगले सीन में पॉल अंकल जॉन की वही बुक पढ़ रहा होता है जो उसे पास्टर ने दी थी और पॉल सोचने में लग जाता है कि उस पर कौन विश्वास करेगा जब वो पुलिस को बताएगा कि उसे सारा पैसा प्लांट से मिला है। अब अगले सीन में हम पॉल को उसी कॉफी शॉप में देखते हैं जहां पर उसके पास ग्रेस का कॉल आता है, लेकिन वो ग्रेस का कॉल नहीं उठाता क्योंकि उससे ग्रेस दोबारा वही सवाल पूछेगी। और अब पॉल वहाँ से बाहर निकलकर उसी बैगर को देखता है जो कि उससे भीख मांगता था और इस पर पॉल उसे $100 दे देता है। और ये सब डिटेक्टिव मिलर भी देख लेती है। वो उस बैगर के पास जाती है और पॉल के दिए हुए पैसों को देख लेती है, जिससे वो उस बैगर को ड्रग डीलर समझ लगती है और इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर ग्रेस को पॉल के ऑफिस से पता चलता है कि पॉल इस वक्त फैक्ट्री में है। वो उसे कॉल करती है लेकिन पॉल कॉल नहीं उठाता और इसलिए वो सीधा अपनी बेटी कैरी को लेकर फैक्ट्री जाने लगती है। इधर पॉल जैक को सच बताने लगता है। वो कहता है कि उसके पास जो भी पैसा था वो उसे उसके अंकल ने नहीं दिया है, जिस पर जैक पूछता है, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पॉल कहता है कि ये सब समझाना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। अब इसी बीच ग्रेस और कैरी भी वहाँ पहुँच जाती है और पॉल को ढूंढने लगती हैं। फैक्ट्री में उजाला नहीं था तभी कैरी टूटी रेलिंग के पास पहुँचती है और उस पर टिकने लगती है, जिस पर से उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से गिर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। और ये आवाज जैक भी सुन लेता है और वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो पॉल अपनी बेटी को देखता है। तब ग्रेस कैरी को हॉस्पिटल ले जाने लगती है और पॉल भी उस टूटी हुई रेलिंग को देखता है और उसे लगने लगता है कि अगर उस दिन उसने जैक को रेलिंग मजबूत वाली लगवाने को कहा होता और फैक्ट्री में लाइट लगवाने को कहा होता तो आज उसकी बेटी नहीं गिरती। और पॉल इन घटना का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और ग्रेस भी पॉल को ही जिम्मेदार मान रही थी। पर अभी लड़ने का समय नहीं होता, इसलिए ग्रेस कैरी को जैक की गाड़ी में जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल के बाहर सभी बहुत परेशान थे। तब जैक से पॉल बात करके कहता है, ये मेरी गलती है, मैंने वहाँ रेलिंग नहीं लगवाई जो रेलिंग टूटी हुई थी, तुमने मुझसे उसे ठीक करवाने के लिए भी कहा था। और वो कहता है, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? तभी जैक पॉल पर चिल्लाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था वहाँ लाइट लगवा देते हैं, लेकिन तुमने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और जैक पॉल पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। आगे ग्रेस पॉल से जैक के गुस्से की वजह पूछती है, जिस पर पॉल उसे बता देता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जिस रेलिंग से कैरी गिरी, जैक चाहता था कि वो उसे ठीक करवा ले, लेकिन मैंने बस वो उसे कवर करने के लिए कहा ताकि क्लाइंट को वो ना दिखे। ये कहकर पॉल रोने लगता है और उसकी बातें सुनकर ग्रेस भी उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पॉल कैरी के पास जाता है, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। तब वो वहाँ बैठकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे एक मौका और चाहिए, मुझे पता है मैंने कई गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं एक बेटर पिता बन सकूँ, एक बेटर हस्बैंड बन सकूँ।
मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरी फैमिली के। बाहर ये सब ग्रेस भी सुन रही होती है और वो भी रोने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां अब कैरी को होश आ गया था, जिसके बाद कैरी को घर लाया जाता है। तभी घर पर पॉल आता है, जिसे देखकर लैंडन अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है, क्योंकि वो अपने डैड से अभी भी नाराज था, क्योंकि कैरी की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो अपने डैड को मानता था। तब उसके डैड उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और उसे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन अब मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। उसकी बातें सुनकर लैंडन दरवाजा खोलता है और अपने पापा को गले से लगा लेता है, और ये देखकर ग्रेस भी खुश होती है। लेकिन इसी बीच उनके घर पर पुलिस आ जाती है और पॉल को वहां से ले जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी हिसाब नहीं था कि जिन पैसों को उसने खर्च किया वो पैसा कहां से आया। और पुलिस पॉल को ले जाकर जेल में डाल देती है, जहां पर वो बैगर और रायली भी होते हैं। रायली पर भी मिलर को शक था, इसलिए उसने उन्हें भी अंदर डाल दिया। पॉल रायली को देखकर पूछता है, आप यहां क्या कर रहे हो? तब पास्टर रायली कहते हैं कि पुलिस का मानना है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस गैर कानूनी काम में शामिल हूं, क्योंकि तुमने मुझे भी कैश डोनेट किया है। तब पॉल कहता है, मैंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया। आगे रायली पॉल के सामने रिवील करते हैं कि उन्हें पहले से उस प्लांट के बारे में पता था। दरअसल उन्होंने ही जॉन को वो प्लांट दिया था। जॉन भी पहले उसी की तरह था। उसने पहले तो प्लांट के पैसे से काफी यश किया, लेकिन उससे उसे खुशी नहीं मिली, तो फिर उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, और उसने उससे ढेर सारी चैरिटी की और एक चिल्ड्रन कैंप भी ओपन किया, जैसे तुमने गरीबों की हेल्प की जॉन भी करता था। तभी पॉल वहां उस बैगर को भी देखता है, जिसे भी मिलर ने अंदर डाल दिया था। वो बैगर पॉल को कहता है, तुमने मुझे इतना पैसा दिया कि पुलिस को लगा कि मैंने तुम्हें ड्रग बेची, इसलिए इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया। तब पॉल कहता है, मैंने इन्हें कहा है कि मैंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, पर इन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे पास वो पैसा कहां से आया? क्या बोलूं कि मुझे ये प्लांट से मिला? तब पास्टर कहता है, तुम जॉन की डायरी का नोट याद करो, उसमें लिखा था, यदि तुम्हें सच पता चल गया तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। पास्टर की बात सुनकर पॉल समझ चुका था कि असली खुशी पुण्य करने में है। आगे पॉल पास्टर रायली से पूछता है कि मुझे रॉकी माउंटेन चिल्ड्रन कैंप के बारे में बताओ, जो अंकल चलाया करते थे। ग्रेस ने मुझे उस बारे में कभी नहीं बताया। तब पास्टर कहते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि वो टाइम ग्रेस की जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ ना हो, उसे अचानक सब कुछ मिल जाए तो उसे क्या चाहिए। इसके बाद अंकल जॉन की सिस्टर मार्गरेट ग्रेस का ख्याल रखने लगी, और जब ग्रेस के माता पिता एक्सीडेंट में गुजरे, तब अंकल और उनकी वाइफ ने ग्रेस की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सब सुनकर पॉल कहता है, मैं भी चिल्ड्रन कैंप की हेल्प करना चाहता हूँ। तब पास्टर कहते हैं, अगले हफ्ते ही हम फन चिल्ड्रन कैंप की हेल्प के लिए अभियान चलाने वाले हैं, तुम उसमें शामिल हो सकते हो। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव मिलर आकर उन्हें छोड़ देती है, क्योंकि पॉल के दोस्त ने गवाही दे दी थी कि वो सारा पैसा पॉल को जैक ने दिया था, क्योंकि पॉल ने उसके साथ फैक्ट्री की डील करवाई थी। और अब मिलर पास्टर और उस बैगर को भी छोड़ देती है, और अब पॉल भी फ्री हो चुका था। यहाँ सीन चेंज होता है और आगे पॉल उसी चिल्ड्रन कैंप में अपनी फैमिली के साथ आया था, जिसे अंकल जॉन ने शुरू किया था, और आज पॉल वहाँ फंड रेज करने आया था। और अपनी स्पीच देते हुए पॉल अपनी पॉश कार को डोनेट कर देता है, और साथ ही साथ अपनी वाइफ के साथ हमेशा इस चिल्ड्रन कैंप में जुड़े रहने का वादा करता है। अब यहाँ पॉल से सभी खुश होते हैं, और उसका दोस्त जैक जो कि उससे नाराज था वो भी उससे खुश होता है, और साथ ही साथ ग्रेस भी। और पॉल ग्रेस को एक नेकलेस देता है, जिससे वो अपने हाथों से उसे पहनाता है, और उसे वो काफी पसंद आता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम पॉल की फैमिली को देखते हैं, जो कि साथ में वेकेशन मनाने जा रहे थे। अब फाइनली वो कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, और जाने से पहले पॉल उस प्लांट को रायली को दे देता है, क्योंकि पॉल को अब उसकी और जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो वेकेशन पर चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करता है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में हमें ये मैसेज दिया गया है कि पैसा सिर्फ फिजूल खर्च के लिए नहीं होता, जिससे हम बेमतलब की चीजें खरीदें, बल्कि इन्हीं पैसों से आप किसी की हेल्प करके अपने लिए सुकून भी खरीद सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।